Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the kingdom protista. We are going to discuss about the slime molds. Slime molds matlab like earlier we have discussed in terms of eublenoid plants and animals jaisa tha. Now here you have to understand slime molds animals and fungi jaisa behave karta hai. It has some characteristics similar to the fungi. At the same time kuch characters hai jo ki animal jaise hai, right? So now we have to understand some sort of history of this slime molds, and then we'll discuss the types of slime molds. Okay, so the first you can see here, this is like the characters belongs to both animals and fungi. That is why it is called as fungus animal. ठीक है, fungus animal ये इसका अलग नाम है, वो आपको याद रखना है, fungus animal. Okay, ठीक है. Now next would be like scientist this Anton de Bary in 1887 related them to the animals ke sath relate kiya tha. This is called as mycetozoa. Theek hai. Next scientist included them in the division myxomycota. To mycologist matlab study of fungi is called mycology. So, याद रखिए ये टर्म हमेशा, स्टडी ऑफ फंगा इज कॉल्ड माइकोलॉजी. सो माइकोलॉजी मतलब यहाँ लिखा है माइकोलॉजिस्ट लाइक मैक बर्ड इन 1899 मतलब इनके बाद काफी ऑलमोस्ट 9-10 ईयर्स के बाद इंक्लूडेड देम इन डिवीजन मिक्सोमाइकोटा. ठीक है, मिक्सोमाइकोटा जब हम फंगाई पढ़ेंगे इसके बाद है इस चैप्टर में, तब आपको क्लियर होगा. And modern biologist included slime molds in the kingdom protozoan. Protozoan में रखा है इसलिए उसको बोला जाता है protistan fungi. मतलब इन वे इसके बहुत सारे नाम है, slime molds तो है ही, उसके साथ साथ fungus animal है, protistan fungi है. तो history थोड़ा सा mention करके रखिए. This history is from the reference book. Okay. Now we have to understand the characteristic of this. Plasmodium है इसमें दिया हुआ, इसमें कैसा favorable unfavorable condition में खुद को reproduce करता है. On the basis of that it has got different types, right? Slime molds has two different types, cellular and acellular. We'll discuss that but first of all we have to understand the regular or basic characteristic of slime molds. पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल. यस, जब फंगाई आता है तब उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, बिकॉज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ सैप्रोफाइट मतलब दे विल फीड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, सो नो क्लोरोफिल, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये एक फिर मैच्योर सेल जो होगा, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नो सेल वॉल, बट इट हैज अ सेल वॉल व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स. स्पोर्स के फॉर्म में रहेगा और स्पोर्स में सेल्युलोजिक सेल वॉल होता है. सो यू हैव टू रिमेम्बर द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्पोर एंड मैच्योर बॉडी. मैच्योर जो थायरॉइड बॉडी होगा इट डज नॉट हैव अ सेल वॉल, बट देन स्पोर्स जो रहेंगे दे हैव अ ट्रू सेल वॉल, जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है. एनसीईआरटी सेज स्पोर्स हैव दिस ट्रू सेल वॉल, और वो सेल वॉल किससे बना है, यहां मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट दिया है, इट हैज अ कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलोज, राइट. चलो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. उसके बाद दे जनरली फाउंड इन द डिकेइंग मैटर, डिकेइंग वेजिटेशन, जैसे ट्विग्स हो सकता है, मे बी ब्रांचेस हो सकते हैं. ठीक है, सो ये थोड़ा सा जैसे ये सैप्रोफाइट है, इसका नेचर अगर सैप्रोफाइट है, इसका चीफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ सैप्रोफाइट, और सैप्रोट्रॉफ भी बोल सकते हो. अगर चीफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइट्स है, सो 100% ये क्या होना चाहिए, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेगा. सो हमको यहाँ याद रखना है वो डिकेइंग लीव्स हो सकती है, ट्विग हो सकती है, ब्रांच हो सकती है किसी प्लांट की. सो ये आपको याद रखना है. ठीक है, सो ये बहुत बेसिक से कैरेक्टर्स हमने पढ़े शुरुआत में स्लाइम मोल्ड्स के. नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ स्लाइम मोल्ड. नाउ हियर विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स. एज यू कैन सी हियर आई हैव ऑलरेडी मेंशन द पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, अ सेल्यूलर एंड सेल्यूलर टाइप ऑफ स्लाइम मोल्ड्स. नाउ इन एनसीईआरटी दे हैव मेंशन द मिक्स काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट अगेन थोड़ा डिटेल कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़ना पड़ेगा. ओके, सो नाउ असेल्युलर मीन्स असेल्युलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मोडियल. यू कैन से स्लाइम मोल्ड्स प्लाज्मोडियम यहाँ होता है, जो की एनसीईआरटी में मेंशन किया है. प्लाज्मोडियम मतलब व्हाइट इज कॉल्ड एज असेल्युलर बिकॉज इट डज नॉट हैव अ वॉल अराउंड इट,
उसके पास वॉल नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ वॉल ये उसके अराउंड एक स्लाइमी, एक चिपचिपाए सा म्यूकस स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेट करता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स. ओके नाउ they commonly found in dead and decaying leaves and twigs. We have discussed they have a saprophytic mode of nutrition. Chief mode of nutrition is saprophyte. Somatic phase, that is diploid multinucleate plasmodium. ठीक है, somatic जो होता है मतलब उनका जो all over जो body है, this is a diploid. Diploid मतलब याद रखिए it's of 2n. सोमैटिक मतलब बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके, मतलब थैलॉइड बॉडी. इसके पास बॉडी तो नहीं है, बट थैलस है, फ्रैगमेंट है, वो हम कंसिडर कर सकते हैं. सो सोमैटिक फेज इट्स अ डिप्लॉयड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इट हैज नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन इट्स बॉडी, थैलॉइड बॉडी. प्लाज्मोडियम फ्री लिविंग थैलॉइड बॉडी, ये बॉडी है. मतलब अभी आप सोचोगे मैडम आपने तो लिखा है असेल्युलर, सेल नहीं है, बट रादर देन इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है और सेल को जैसे वॉल होता है वैसे इसके पास वॉल नहीं है, बट इसके पास बॉडी है विच इज अ फ्री लिविंग थायलॉइड बॉडी. ठीक है, जो अपने अराउंड ही स्टिकी सब्सटेंस फॉर्म करती है. इट इज वॉललेस, देखो ये वॉल नहीं है इसके पास, बट इट इज अ मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म कवर्ड बाय स्लाइम. ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, इसके पास वॉल नहीं है बट इसका बॉडी जो है कवर्ड बाय, लाइक इसके प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस है और वो इट इज कवर्ड बाय अ स्लाइम, राइट. ओके सो नाउ पेरिनेशन, मतलब इसमें आपको दो टाइप पढ़ने हैं, पहला पढ़ना है सिस्ट और दूसरा पढ़ना है स्क्लेरोशिया. स्लाइम मोल्ड्स जो है इनको कंपोजर डीकम्पोजर प्रोटिस्ट भी बोला जाता है, बिकॉज दे आर फीडिंग ऑन द डेड मैटर. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अल्टीमेटली डीकम्पोजिशन का काम कर रहा है. So, यहां हमें याद रखना पड़ेगा बिकॉज इट हैज टू डू समथिंग विद द डीकम्पोजिशन, जो कि क्लीनिंग करता है, दैट कैन बी अ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस. सो यहां उसके पास सर्वाइव करने के लिए भी कोई पोटेंशियल होना चाहिए. तो सर्वाइव करने के लिए फेवरेबल कंडीशन एक तो उसके फेवर में होगी और अनफेवरेबल कंडीशन उसके फेवर में नहीं होगी. सो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, वी हैव टू सी दैट. सो नाउ ये बहुत ज्यादा सर्वाइव करता है, सर्वाइविंग फ्रॉम इयर्स टू इयर्स बाय वेजिटेटिव मीन्स. वेजिटेटिव मीन्स मतलब ये उसका फेवरेबल कंडीशन है. सो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स अ फ्रूटिंग बॉडी. फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करता है, लाइक सपोज अगर ऐसा फॉर्म करेगा ऐसे, सो इट बियर्स अ स्पोर्स एट देयर टिप. मतलब ये क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करेगा और उसके टिप पे स्पोर्स को रखेगा, सो दैट स्पोर्स जो है वो एक जगह पे प्रोटेक्टेड हो और जब फेवरेबल कंडीशन आए तो वो स्पोर्स का जो वॉल है वो रप्चर होके, स्पोर्स बहुत नंबर में होंगे, सो दैट वो वॉल रप्चर होके वो इधर उधर जब फॉल होगा तो उसको जैसे ही जर्मिनेशन मिलेगा वो बहुत सारे नंबर्स में ग्रो हो सकता है. फिर वो पेरिनेशन में दो कंडीशंस फॉर्म करता है सिस्ट. फर्स्ट इज अ सिस्ट. सिस्ट इज डिवाइड इनटू अ स्मॉल, ये क्या करता है, उसकी बॉडी को छोटे छोटे फ्रैगमेंट में डिवाइड करता है. लाइक सपोज मान लीजिए उसने ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट में डिवाइड किया कर दिया और इट सिक्रीट्स अ थिक कवरिंग अराउंड इट, मतलब ये हर एक के अराउंड एक कवरिंग फॉर्म करेगा, इसको बोला जाता है सिस्ट. सिस्ट होता है ना, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं और लंप फॉर्म हो जाता है. सो ये क्या करता है, उसकी मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी को ब्रेक करता है फ्रैगमेंट्स में और हर एक के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करके रखता है, सो दैट वो उसको अनफेवरेबल कंडीशन में बचा के रखे, प्रोटेक्ट करके रखे. ठीक है, लेकिन स्क्लेरोशियम में क्या होता है, स्क्लेरोशियम में एक छोटा प्लाज्मोडियम, समटाइम्स अ होल प्लाज्मोडियम सिक्रेट्स अ थिक कवरिंग अराउंड इट सेल्फ. मतलब ये स्क्लेरोशियम क्या करेगा, ये पूरा प्लाज्मोडियम जो है उसको प्रोटेक्टेड रखेगा अंदर और उसके अराउंड एक ही क्या बनाएगा, जैसे यहां उसने ब्रेक किया था, मे बी दिस वन इज अ प्लाज्मोडियम. ठीक है, ये मेन प्लाज्मोडियम था, इसने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया और फिर खुद को प्रोटेक्ट किया. लेकिन स्क्लेरोशियम में क्या होता है, होल बॉडी इज देयर और होल बॉडी के अराउंड, थायरॉइड बॉडी के अराउंड इट वुड फॉर्म अ स्लाइमी लेयर. ठीक है, सो ये एक डिफरेंस है, आपको याद रखना पड़ेगा. सिस्ट एंड स्क्लेरोशियम, सिस्ट एंड स्क्लेरोशियम रिमेन डॉर्मेंट फॉर फ्यू मंथ्स इवन फ्यू इयर्स आल्सो. ये बहुत ज्यादा टाइम तक डॉर्मेंट रह सकता है. डॉर्मेंट मतलब क्या, आई विल टेल यू वन एग्जांपल. डॉर्मेंट मतलब क्या होता है,
जैसे समर में हम कहीं जाते हैं बाहर, अगर आप कोई हिली एरिया पे जाते हो तो वहां सब कुछ ड्राई दिखाई देगा, वीड्स एंड प्लांट्स एंड बहुत सारी चीजें, लाइक वीड्स जो होगा छोटा छोटा जो ग्रास होता है वो आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। पर जैसे ही बारिश शुरू होती है वो अपने आप आना शुरू हो जाते, जर्मिनेशन उनका शुरू हो जाता है। सो समर जो है, समर में उनके सीड्स रहते हैं सॉइल में, बट वो क्या करते हैं, रेस्टिंग वाली सिचुएशन में रहते हैं, लाइक दे आर डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मतलब क्या, वो उनका रेस्टिंग टाइम चल रहा है अभी, पर जैसे ही वो उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होता है, पर जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है दे आर गेटिंग देयर फेवरेबल कंडीशन। वाटर इज देयर देयर मेन कंपोनेंट फॉर द जर्मिनेशन। सो वाटर जैसे ही मिलता है वो अपने आप ग्रो होना शुरू होता है। या हम जाते हैं उस हिली एरिया पे, किसी पहाड़ी एरिया में उसको पानी देने नहीं जाते ना, तो फिर भी आपको बारिश के सीजन में हर जगह पे वीड्स दिखाई देंगे, ग्रास दिखाई देगा। डॉर्मेंट मतलब ये होता है वो कहीं तो खुद को वो सारी कंडीशंस न्यूट्रिएंट लेके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं तो वो खुद को रख देता है। ठीक है, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। आपने एक पॉट लिया, उसमें सॉइल रखा, ड्राई सॉइल रखा, उसमें आपने एक सीड डाल दिया। सीड अपने आप ग्रो होगा क्या? नहीं होगा, अनलेस एंड अंटिल जब आप उसको वॉटरिंग नहीं करते हो वो ग्रो नहीं होगा। तो जो स्टेज है उसके लाइफ में जो सर्वाइव कर रहा है उस सॉइल में खुद को बचा के, दिस इज द डॉर्मेंट कंडीशन। ठीक है, आपको क्लियर होगा ये डॉर्मेंसी कैसे ब्रेक करी जाती है, डॉर्मेंट सीड्स क्या होते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। प्लांट ग्रोथ में आपको ये कवर हो जाएगा, प्लांट फिजियो में। सो यहाँ याद रखिए, वो खुद को डॉर्मेंट बहुत दिनों तक रख सकता है। जैसे फ्रॉग, फ्रॉग भी एग्जाम्पल है। फ्रॉग आपको समर में दिखाई देता है? नहीं। फ्रॉग आपको विंटर में दिखाई देता है? नहीं। फ्रॉग कौन से सीजन में दिखाई देता है? फ्रॉग आपको रेनी सीजन में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये दो सीजन कहाँ चला जाता है फिर वो? ठीक है, तो ये डॉर्मेंट में चला जाता है, विंटर स्लिप एंड समर स्लिप में चला जाता है वो, अंडर द सॉइल, अंडरग्राउंड हो जाता है वो, बिकॉज उसकी लाइफ वैसे ही है। हम फ्रॉग भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डॉर्मेंट इज द कंडीशन, जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है इट विल नॉट फ्लरिश। ठीक है, सो ये डॉर्मेंट में सिस्ट, बिकॉज ये अनफेवरेबल कंडीशन में बना हुआ है, अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म हुआ है, मतलब इसका लाइफ का एक ही एम होना चाहिए कि खुद को बचा के रखो जब तक फेवरेबल कंडीशन आती है। सिस्ट एंड स्क्लेरोशियम, दे कैन बी लाइक फेवरेबल कंडीशन इयर्स मंथ्स तक नहीं आई तो भी वो खुद को अंदर बचा के रख सकते हैं। और जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है वो क्या करते हैं, उनका स्लाइम लेयर जो है वो निकाल देते हैं, एंड दे विल डिस्पर्स इट आउट, और डिस्पर्स होके फिर जाके जर्मिनेट होंगे एंड नया बॉडी फॉर्म करेंगे। ठीक है, द एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। फाइसेरियम, फ्यूलिगो, डिक्टीडियम, ट्यूबीफेरा। ठीक है, फिर है लाइकोपाला, ये एग्जाम्पल्स याद रखिए। सो ये समझ में आए आपको। नाउ वी डिस्कस द सेल्यूलर। सेल्यूलर में एग्जैक्टली क्या चेंज है वो हमें पढ़ना है। तो सेल्यूलर है, इट अकर्स इन ऑल ह्यूमर्स कंटेनिंग सब्सटेंस जो कि अपर लेयर ऑफ द सॉइल में पाए जाते हैं, कंटेनिंग अपर लेयर ऑफ डैम्पी सॉइल। सॉइल डैम्पी होना चाहिए बिकॉज ये जो सीजन चल रहा है अभी रेनी सीजन, ये उनके फेवर में है अभी। इसका सोमैटिक फेज हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड हम एन से शो करते हैं, हमने बेसिक कोर्स में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा हुआ है। यहाँ इट इज अ डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब इट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम। अगर आपको सपोज मान लीजिए ह्यूमन बींग हैज अ 46 क्रोमोजोम, तो 46 मतलब 2N46 होगा, बट एन वुड बी अ 23, मतलब आप उसको हाफ करोगे तो ये होगा हैप्लॉइड, मतलब हाफ वो होगा 23। मतलब ये ह्यूमन का मैंने एग्जाम्पल समझाया आपको। एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, इसकी बॉडी यूनिन्यूक्लिएट होती है, विच इज कॉल्ड एज मिक्स अमीबा, उसको हम बोलते हैं मिक्स अमीबी। ओके, इट इज विदाउट सेल वॉल। अगेन ये विदाउट सेल वॉल होता है, बट देन ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, विदाउट सेल वॉल है, और ये विदाउट सेल वॉल का होता है, एंड इट विल ऑल्सो मूव बाय अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड जैसे स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है एंड ऑल, वो ऐसा मूवमेंट करेगा। इट इज इट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, इसके पास भी अनफेवरेबल कंडीशन हो सकते, बिकॉज रेनी सीजन में मॉइस्चर ज्यादा से ज्यादा विंटर के शुरुआत में रहेगा, बाद में नहीं रहता है। समर में ये क्या करेंगे, समर में इनके पास अनफेवरेबल कंडीशन होगा, बहुत ज्यादा हीट होता है। सो अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, इसके अराउंड एक रिजिड सेल वॉल बना लेता है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोसिस्ट। ये सिस्ट फॉर्म कर रहा था, ये माइक्रोसिस्ट फॉर्म करेगा बिकॉज ये हैप्लॉइड है और यूनिन्यूक्लिएटेड है, और ये क्या था, ये डिप्लॉइड था और मल्टीन्यूक्लिएटेड था। एग्जाम्पल याद रखिए, पॉलीस्पॉन्डिलियम, पॉलीस्पॉन्डिलियम
एंड डिक्टियोस्टीलियम, ये याद रखिए है. सो इन अ वे हमको यहाँ क्या समझ में आता है स्लाइम मोल्ड्स का. स्लाइम मोल्ड्स जो है दे आर कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स प्रोटिस्टा. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर डीकम्पोजर. तो इन अ वे हमको क्या समझ में आता है स्लाइम मोल्ड्स के बारे में. स्लाइम मोल्ड्स को हम कंज्यूमर डीकम्पोजर प्रोटिस्टा भी बोल सकते हैं. ये डीकम्पोजिशन का काम करते हैं. सो इन अ वे ये हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो सकता है हमारे वेलबींग के लिए. बिकॉज अगर आपने देखा होगा ट्विग्स या फिर जो भी वुडलॉग्स होते हैं उनको डीकम्पोज करने का काम ये करते हैं. तो इन अ वे ये नेचर को क्लीन करने का काम करते हैं. दूसरा चीज ये है इट हैज गॉट टू टाइप्स. ये दो टाइप्स हमने देखे यहाँ. और दिस इज द प्रोटेस्टा जिसमें फंगल मेंबर्स हम यहाँ पुट करते हैं. जैसे फाइव किंगडम में हमने पढ़ा हुआ है थर्ड किंगडम इज द फंगाई. प्रोटेस्टा में हमने उसके यूनिसेल्युलर मेंबर्स रखे हुए हैं. दिस इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड वो यूनिन्यूक्लिएटेड है. सो याद रखिए ये उनके फेवरेबल कंडीशन में कैसे बिहेव करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे बिहेव करेंगे. सो इन अ वे ये सर्वाइविंग मोड कैसे सर्वाइव कर लेते हैं. लाइक वो उनको अनफेवरेबल कंडीशन आया तो उनको सर्वाइव तो करना पड़ेगा राइट. सो दे हैव टू सर्वाइव देयर स्पोर्स इन टर्म्स ऑफ इन ऑर्डर टू ग्रो इन टू द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्लाइम मोल्ड्स. ये स्लाइम मोल्ड्स है आप इसको अच्छे से नोटबुक में लिखिए. इफ एनी डाउट यू कैन लेट मी नो. सी यू इन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.